कांग्रेस का सपोर्टर है, मैं समझ गया। कौन हम? राजस्थान प्रदेश। अगर किसी का सपोर्टर हो गया ना तो उसके हाथ में माइक नहीं होना चाहिए, फिर भड़वागिरी करे, फिर वो भड़वागिरी करे, फिर वो राजस्थान कांग्रेस का ना बीजेपी का। जमीन बेच के नहीं आया हो चाचा? पढ़ के आया हो? जमीन बेच के नहीं, जमीन बेच दिया होता ना तो फॉर्चुनर यहाँ पर लगा दिया होता। जमीन गलत दिया, इन्होंने देना चाहिए था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा के नेताओं से। अच्छा, सबसे ज्यादा जो रेप केस है राजस्थान में और सरकार कांग्रेस को 2 लाख रुपए की जगह बहन बेटी को कपड़े उतरवा रहे हो? क्यों 2.5 लाख रुपए मैं दे रही हूँ बहन बेटी को कपड़े उतरवा, बताओ बस बोला क्या की इज्जत चाहिए तुम्हें? जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में होगा ना उस दिन पता चलेगा। पहले बुढ़ा का बड़े बच्चों को स्कूल भी कोई नहीं भेजता था, आज आजादी से स्कूल जा रहा है, आ रहा है, सब मोदी का देन है। 10 साल पहले सब पूरा देश जाहिल था, पहले 10 साल से पहले पूरा देश अनपढ़ था भाई। हाँ, अनपढ़ था। कांग्रेस ने हमारे देश के लिए जान दे दी। जो मर्द थे ना वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संघ में गए। ना मर्द कौन थे? अरे सुनो तो, भाग कहाँ गए भैया? अरे एक रेलवे स्टेशन ही बता देते। अरे भैया आ जाओ आ जाओ। अरे कोई प्राइमरी स्कूल ही बता दो। मुंह फेर के भाग गए, नहीं है जवाब उनके पास। हाँ, उनके पास नहीं, जब मुंह फेर के भाग गए। मोदी आनी चाहिए, मोदी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों भाई? लेकिन बता दे, जो देश में थोड़ी बेरोजगारी चल रही है, जो आम जनता परेशान है, इसके बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए। फिर भी मोदी जी आनी चाहिए? फिर भी कमाल कर रहे हैं आप। सरकार भी ना मोदी जी आने चाहिए, अब विरोध भी कर रहे हैं। सरकार सही है, सरकार गलत नहीं है। सरकार विरोध क्या कर रहे हैं? विकास कर रही है। क्या विकास हुआ? कोई विकास हुआ कौन? क्या क्या विकास सारे हुए? अरे बताइए ना, बोलो। बहुत विकास में बहुत कुछ है, बताइए। भारत का नाम आ रहा है सीमाधार कैसे घुस गई सर? वो चोरी चोरी लीगल तरीके से। अरे वो तो सारे बहन बेटी सुरक्षित है आज की डेट में, बोलो यूपी में। क्या बहन जी सुरक्षित है? कौन बहन जी सुरक्षित है बताओ? हमारी इंडियन की लड़की को मारा जाता है अमेरिका में, हाँ एक्सीडेंट से, और पुलिस वाला पीछे से क्या कहता है? इसकी मौत की कोई कीमत नहीं है। बताइए भैया, भारत की शांति सुनिए बोले। और अमेरिका में बोले कि मोदी का डंका बजा, क्या डंका बज रहा है? क्या डंका बज रहा है? तुम्हारी अभी बेटी के साथ में हुआ नहीं? क्या बोले? यूक्रेन में लड़ाई हुई थी जाना आपको, यूक्रेन में भारत का झंडा दिखा के यहाँ आए थे लौट कर दूसरे देशों के लोग। बेटी के साथ आपकी बहन के साथ हुआ नहीं ना, जब हुआ हो गए ना, जब तुम्हें पता चलेगा। सही है। अच्छा वो सही है, बहन सही है, बहन बेटी सबकी बराबर है, बहन बेटी सबकी बराबर है, ठीक है। तो मानते का है नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अभी आपने मोदी जी का विरोध भी किया है और अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम विरोधी नहीं है, हम नहीं कह रहे हम विरोधी हैं, हम सपोर्टर है, ठीक है, सपोर्टर है। हाँ जी, लेकिन मेरे पास मकान नहीं है, सबको मकान दिए, हमें मकान दिलवा दो, हमारे रोजगारी नहीं मिल रही, हमें रोजगार दिलवा दो। हमें तो नहीं मिल गया मकान, हम भी तो गरीब है, हमें तो नहीं मिल गया मकान। सोचा अभी आप बोले बहन बेटी सुरक्षित है, ये दोनों बहनें बोल रही सुरक्षित नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बाजार चल रहा है उसी का देन है। बात यहाँ की नहीं है, देश की है। और देश की तो वहाँ तक कहाँ दे, वो तो अलग अलग वहाँ कंट्रोल की बात है। अगर देश में कुछ होगा तो जिम्मेदारी किसकी है? अरे देश की जिम्मेदारी सब कुछ है, सब कुछ है, किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जवाब कौन देगा? ठीक है, सरकार को जवाब देना होगा, ठीक है। नेहरू आज जवाब देने, नेहरू क्यों आएंगे? सरकार देगी, सरकार नेहरू नहीं आएंगे, नेहरू क्यों आएंगे? आजकल देश में बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई भी काम हो ना नेहरू पे थोप दो। आराम से बोलिएगा, आराम से, इतना हड़ाला उन लोग से बोल रहे हो ना, वैसे हड़ाला के मत बोलिएगा। कांग्रेस का सपोर्टर है, मैं समझ गया। कौन हम? राजस्थान प्रदेश। अगर किसी का सपोर्टर हो गया ना तो उसके हाथ में माइक नहीं होना चाहिए, फिर भड़वागिरी करे, फिर वो भड़वागिरी करे, फिर वो राजस्थान कांग्रेस का ना बीजेपी का। जमीन बेच के नहीं आया हो चाचा? पढ़ के आया हो? जमीन बेच के नहीं, जमीन बेच दिया होता ना तो फॉर्चुनर यहाँ पर लगा दिया होता, जमीन नहीं बेचा। आप सुनोगे? शांति शांति से सुनना। बोलिये, बोलिये। आप सिर्फ मणिपुर पर इन बहनों को बेटियों को भड़का रहे थे, भड़का कहा राजस्थान पर क्यों नहीं भड़का रहे थे? और नेहरू की बात कह रहे हो, नेहरू की सारी बातें आप बता दोगे? आपने बोला ना चाइना भग गया, चाइना की जो जमीन कैप्चर हुई थी नेहरू जी के समय में, संसद में उनका ही, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, उनका ही सांसद पूछा था कि ये गलत हो रहा है, आप सेना को आदेश दीजिए, तो वो बोले बंजर जमीन है वहाँ पर कुछ खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो उसने क्या बोला था, अपना सर गंजा था, बोला मेरा भी सर गंजा है, टोपी हटाइए आपका भी सर गंजा। तो नेहरू से सवाल करने के लिए आप स्वर्ग जाए क्या? नहीं, आपने क्या बोला? अभी किससे सवाल कर रहे? आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने आप राजस्थान की बात बोल रहे, राजस्थान में तो मैं बोल रहा हूँ गलत हो रहा,
आप एक राजस्थान की बात बोले, कांग्रेस की सरकार हिमाचल भी है, वहाँ पे भी गलत, एक बार भी नहीं बोले क्या? जब मैं ये बात कहूँ तब इस चीज को दोहराए हुआ, तो जो पॉइंट हमारे सामने आएगा वही नेहरू जी की बात बोले। हाँ। अब नेहरू जी के समय की बात तो हम नहीं कर रहे थे, अभी की बात कर रहे। नेहरू अभी चाइना कहाँ है? चाइना कहाँ है अभी? चाइना जहाँ था वही है, जहाँ था वही है, अंदर घुस गया, वहाँ नहीं है। हम तो नहीं बोल रहे बात के अंदर, हम तो नहीं बोल रहे कि अंदर है ना, हम देखे हैं, ये देखने गए हैं कि अंदर घुसा है, ये देखे हैं। अरे कह रहे हैं कि अंदर घुस गया, और सरकार की फौज जो बैठी है वो फौज गलत है, वो कह रही है कि हमारी जमीन। मीटिंग क्यों हो रही है भैया? मीटिंग क्यों हो रही है भैया? मीटिंग तो जब जो चाचा ये सोच सुनिए, मैं आपकी बात नहीं पकड़ रहा हूँ, मैंने अपनी बात पकड़ रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था ना कोई गुस्सा था ना घुस घुसा है। राजनाथ सिंह जी बोल रहा है चाइना पीछे हट रहा है, आप किसकी बात मानेंगे? चाइना अंदर आया नहीं तो पीछे हट कैसे रहा है भाई? पीछे हट रहा है जो नेहरू जी ने दिया था उसमें पीछे हट रहा है। नेहरू जी के टाइम नेहरू जी ने जो पीछे दे दिया था वहाँ से उसे हमारी हमारे हमने गलत थोड़ी नहीं बोला है कि हर मैटर में नेहरू जी आना। नहीं आप पहले बोले थे तब मैं नेहरू जी की बात ले, मैं तो लाता ही नहीं। इन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा इन्हीं के लिए अभी साफ बन गया। इनके जितने मंत्री थे, कुलदीप सिंह सेंगर हुआ, चिमैया नंद हुआ, ब्रजभूषण हुआ, और एक अंकिता का कातिल था गांव हुआ उत्तराखंड में, सारे तो इन्हीं के वो हैं फंसे हुए। इन्होंने जो नारा दिया गलत दिया, कि इन्होंने देना चाहिए था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा के नेताओं से। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रेप केस है राजस्थान में और सरकार कांग्रेस की, भैया वो है राजस्थान में, इन्होंने तो नारा दिया था, इन्होंने नारा दिया था, इनके विधायक फंसे हुए, विधायक तो ना फंसा, किसी आम आदमी नहीं तो करा होगा, आम आदमी की जिम्मेदारी। तो सरकार कर क्या रही है कांग्रेस? सरकार देखो, सरकार को रोकना चाहिए, कांग्रेस नहीं बदलाव चाहिए। गुटखा तुक हमें जो है बदलाव चाहिए, नया युवक चाहिए, अच्छा रोजगार होना चाहिए। हमारे देश में रोजगार नहीं है, बहुत ज्यादा बेकारी है, काम होना चाहिए। जवान मूवी शाहरुख की देख के आ गए मुद्दे पे बात करने लगे, क्या लग रहा है? क्या लगेगा, जो है सही है। कैसी सरकार चाहिए, बदलना चाहते हैं? ठीक है, मोदी सही है भैया, मोदी ठीक है। हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चल रहा है। 5 किलो अनाज मिल रहा है? हाँ सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। अनाज में खुश है? सब है सही, खुश है अनाज? हाँ खुश है। पढ़ना लिख रहा? सब सही है, सब सही है। हाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं? ऑस्ट्रेलिया। अब चाहे जहाज पढ़ के आए हुए सब सही। पढ़ के कहाँ से आए भाई? हम तो देंगे तो वोट देंगे, मोदी खींच देंगे। पिंजड़े में जब ही फंसता है ना, जब उसे मुफ्त की रोटी दी जाती है, और जनता इस वजह से फंस रही है क्योंकि 5 किलो गेहूँ जो मिल रहा है और अनाज जो मिल रहा है, अभी जनता को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस में ठीक है, जब रात में लेडीज जाते हैं यहाँ पर 10-11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं होती। क्या इंडियन लड़की का रेप नहीं हो रहा? बीजेपी कांग्रेस सही है, बीजेपी तो अब 8-9 साल से आ गई। पहले हमारे देश में कांग्रेस ही थी, अब पहले ऐसा नहीं था, अब बीजेपी की सरकार में हो रहा है। बीजेपी है, बीजेपी ठीक है। बीजेपी क्या बदलाव कर दिया है? भैया बहुत बदलाव, 10 सालों में क्या क्या हुआ? बहुत बदलाव है। कितने IIT? अरे एक रेलवे स्टेशन का, अरे सुनो तो, भाग कहाँ गया भैया? अरे एक रेलवे स्टेशन ही बता देते, अरे भैया आ जाओ आ जाओ, अरे कोई प्राइमरी स्कूल ही बता दो। मुंह फेर के भाग गए, नहीं है जवाब उनके पास। हाँ उनके पास नहीं, जब तो मुंह फेर के भाग गए। सरकार हाई है, अच्छी हो तो। बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया वही तो पूछ रहा हूँ। बताइए कांग्रेस की जहाँ बात आ रही है, तो कांग्रेस ने भी अपने जगह पे वो भी सही थे, और बीजेपी भी अपने जगह पे सही, बिल्कुल सही, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि आप क्या है कि पहले के सिचुएशन कुछ और थे, और आपकी सिचुएशन अब की सिचुएशन में क्या है? बहुत बाजार लगी, देखिए क्या है कि पहले हर जगह पहले हम कहते भूल हत्या भी होती थी, अब क्या हो रही है? भूल हत्या से सरकार का क्या लेना देना? वो तो शुरू से चलते आ रहा है कि गलत है। क्यों नहीं है सर? है, शुरू से कानून है उस पे। पहले इससे ज्यादा होता था, क्राइम होता था, ठीक है ना? जब कांग्रेस और सपा की सरकार रहती थी तो इससे ज्यादा होता था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे देश के लिए जान दे दी। जो मर्द थे ना वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए। और ना मर्द कौन थे? हाँ कहने को ना, जब बीजेपी की गवर्नमेंट अपने अब जब आई, जब से आई है, तब से बहुत कुछ ने उन्होंने बदलाव किया है। मोदी देश का कौन है? प्रधानमंत्री वो है तो। हाँ 2024 को कांग्रेस रहेगा, लगी हमारी आपके साथ लगी और रहेगा 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 रहेगा। अजीब आदमी कासना भी मायावती ने बदल दिया। अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब तो कहीं करो आप कहाँ? क्योंकि अब दोगला काम चल रहा है। क्या चल रहा है? हर जगह चल रहा है दोगला काम। देखो मायावती के वोट में किसने सेंध मार दी? किन्ने मार दी? नहीं घोटाला किया तो डर काहे का? उसमें चालबाजी है। क्या चालबाजी? उसमें चालबाजी है कि डालो मायावती को और जा रहा मोदी को। ये हमें पता नहीं कैसे जा रहा है, डालो मायावती को जा रहा मोदी को।
समझ गए। लेकिन हमको ये बताते हमारे पिताजी भी कि बेटा तुम किनको डाल के आए, मायावती को। अरे जनता ही बता रही है कि उनकी सरकार थी तो खाली हाथी हाथी बनवाया, क्या जरूरत थी हाथी बनवाने। नहीं, हाथी ने बनाने के बाद ये कुछ करा कर नोएडा बना दिया उसने, और वो ही भूल गया, वो ही आजकल मोदी को डाल रहा है। सर मैं गर्ल का समर्थन करता हूँ, गर्ल्स का समर्थन करता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ सर, कांग्रेस का समर्थन। हाँ जी भाई, कांग्रेस सर, कांग्रेस ने ये सब कुछ दे दिया, ये क्या दे दिया सर, मोदी ने क्या दे दिया ये बताओ, इस बीजेपी ने क्या दे दिया सर, 5 किलो राशन दिया सर, 5 किलो राशन में क्या हो जाता है सर, सब कमाना तो फिर भी सबको खुद पड़ता है, ये मोदी दे के जाता है सब सबको, सबको मोदी। देश सुरक्षित रखना है कि नहीं सर, देश तो पहले से सुरक्षित है, आज दे रहा है हमारी कांग्रेस ने तो जान दे दी देश के लिए, ये तो राशन दे रहा है। हाँ, और हमारी वो कांग्रेस ही चलती थी, अब ये तो इसके तो 8-9 साल से आ गई मोदी की, पड़ जाती है सर, फिर भी हम खुद कमाते हैं, हमारे माँ बाप कमाते हैं, 70-75 साल हो गए देश को आजादी को, ये 5 किलो राशन से इसको ऊपर भरो। भाई लोग खुश हैं ना सर, लोग तो किलो ना। सर जो खुश हैं वो खुश हैं सर, हम पार्टी कांग्रेस के साथ खुश हैं, उन्होंने देश के लिए किया है सर, बहुत किया है सर, हमें इतना पता है सर। देश सुरक्षित अगर नहीं रखना है तो मोदी जी को लाओ, नहीं रखना है, रखना है तो कांग्रेस राहुल गांधी जी को लाओ। लग रहा है अभी शाहरुख खान की जवान मूवी देख के आ गए सर, शाहरुख खान जवान जवान का बोल रहे, कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा। हाँ, तो कौन आएगा? मोदी। काम क्या क्या किया? अरे 2.5 लाख रुपए दिया मकान, जिसके नहीं आप देखो सब पे मकान है, क्या बात कर रहे हो, क्या सुनिए ना। हाँ 2.5 लाख रुपए की जगह बहन बेटी को कपड़े उतरवा रहे हो, क्यों 2.5 लाख रुपए मैं दे रही हूँ बहन बेटी को कपड़े उतरवा, बताओ बस बोला क्या, की इज्जत चाहिए तुम्हें, जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में होगा ना उस दिन पता चलेगा, ठीक है। 70 साल राज किया, उन्हें क्या करवाया हमें ये बता दीजिए, उसने तो हमारे देश को संभाला है। अरे छत के ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं दी, छत दे दी मोदी जी ने, और क्या होएगा, आम आदमी नहीं बोल रहे। इधर सुनो भैया, इधर सुना, इंदिरा गांधी का नाम सुना है? सुना है बहुत। कैसे हो उसका, कैसे चली? अरे तो वो तो उनका, उन्होंने विद्रोह किया तो उन्होंने लोगों ने मार डाला। राजीव गांधी का किया? सुना है राजीव गांधी का, क्यों नहीं? इतने बीजेपी में नेता जिसने देश के लिए शहादत दी है, नाम बता दो, एक बता दो, नाम बताओ। अरे तो क्या हुआ, मोदी जी तो आए, उसमें तो सब कुछ कर दिया, बड़ा मोदी के देना जी, इतने पब्लिक भीड़ चल रही है। मोदी के 5 काम बता दो, मोदी के 5 काम बता दो, क्या अच्छा किया है बताओ, 5 काम बता दो, हाईवे बना दिए, 5 काम उसी का देना चल रहा है। जब बकरी, मैं तो कुछ दिन पहले बता दे रही मोदी के क्या, भैया कुछ दिन पहले बकरी चला रहा था, लो आज अफसर जैसे बन के घूम रहा है, कौन? मोदी का ही देना है। तो कहाँ से अफसर कैसे बन गया, पढ़ के ना? सब सुविधा दिया, पढ़ के ना, जब सुविधा दिया तो कॉलेज बताइए, तो कॉलेज वही कॉलेज से, वही तो पूछ रहा हूँ, अगर पढ़ के अफसर बना तो कॉलेज बताइए, किसका बना? पहले बुढ़ा का, पहले बच्चों को स्कूल भी कोई नहीं भेजता था, आज आजादी से स्कूल जा रहा है, आ रहा है, सब मोदी का देना है। 10 साल पहले सब पूरा देश जाहिल था, पहले 10 साल से पहले पूरा देश अनपढ़ था भाई, हाँ अनपढ़ था, लेडी 10 से इंटर नहीं होता था, आज उसी का देना है, डबल एम पीएचडी लेडीज कर रही है, अफसर जैसे बुन कर काम कर रहा है, खा रहा है। यानी आपके कहने के मुताबिक 10 साल पहले एक भी लेडीज 12वीं से ज्यादा पढ़ी नहीं थी इंडिया में, नहीं थी, ठीक है।